नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चैल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं ट्रैक्शन वेव फॉर्म 12 फ्री के ऊपर एक बहुत ही ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ, जो आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन का जो स्पीड है वो तिगना चौगना आपको बढ़ा देगा, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा काम का स्पीड। आपको एक ऐसा शॉर्टकट की और एक ऐसा शॉर्टकट प्रोसेस सिखाया जाएगा जिससे आप कॉर्ड को बहुत ही ईजी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रैक्शन वेव फॉर्म फ्री के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है ये एक फ्री फुल फीचर्ड DAW है जिसमें आप प्रोफेशनली एक भरपूर हृष्ट पुष्ट एकदम म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हैं अपना होम स्टूडियो के लिए। ये एक बढ़िया डॉ है और इसका एक प्रो वर्जन भी आता है, लेकिन फ्री वर्जन और प्रो वर्जन में 19-20 का फ़र्क है दोस्तों, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चले जाएंगे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, और ये डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ गए हैं और अभी हम ट्रैक्शन वेव फॉर्म में ये कुछ ब्लैंक प्रोजेक्ट है दोस्तों एक। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो BPM है BPM को सेट कर लेते हैं और ये मैं 100 में इसको सेट कर लूँगा। ये 100 में ये सेट हो गया दोस्तों, और अभी ये जो क्लिक है क्लिक का साउंड को मैं ऑन कर दूँगा। और एक सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पियानो ले लेता हूँ, PIANO पियानो, फ्री पियानो 3 मैं ले लूँगा। फर्स्ट वाला चैनल में फ्री पियानो 3 आ गया है और यहाँ पर मैं एक चलिए इसी को रखते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट एक मीडी क्लिप लेंगे और मीडी क्लिप को हम 10 बार 9 बार तक इसको 1 से 9 तक इसको खींच देंगे। इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये पियानो रोल खुल गया है दोस्तों। इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, पियानो रोल को हम यहाँ से अलग करेंगे, ये अलग हो गया, इसको फुल कर देंगे दोस्तों। उससे पहले मैं एक छोटा सा ट्रिक सबको बताने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे कॉर्ड्स, CHORD। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्रिएट ट्रायड कॉर्ड्स ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये क्रिएट ट्रायड कॉर्ड्स है दोस्तों ये। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या शॉर्टकट की बताया गया है, Ctrl+3 और Shift+3। यहाँ से Ctrl+3 करके या फिर Shift+3 बटन दबा के आप इसको कर सकते हैं। कैसे किया जाता है, चलिए मैं इसको रिमूव दिस की कर देता हूँ। अभी Ctrl+3 बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो शॉर्टकट की यहाँ पर दिखाई देगा वो Ctrl+3, मतलब कंट्रोल दबा के आप 3 को प्रेस करेंगे तो ट्रायड कॉर्ड बन जाएगा। लेकिन मैं कंट्रोल दबा के 3 में पहुँचने में टाइम लगता है, बहुत दिक्कत हो जाता है दोस्तों, ऐसे करके करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया वाला दूंगा और प्रेस एक की, मैं यहाँ पर 3 दबा दूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए Ctrl+3 तो रहेगा ही, उसके साथ सिर्फ 3 की दबाने से भी वहाँ पर ट्रायड कॉर्ड्स बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग मेरा प्रोजेक्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आ गया है दोस्तों। ये वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे ताकि मेरा जो इंटायर पियानो रोल है वो आपको दिखाई दे सके। अब चलिए हम एक पॉपुलर कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर कहाँ गया रे बाबा, हाँ इसको हम बड़ा करेंगे थोड़ा सा, छोटा कर दिया। अब नहीं 1 5 6 4 1, अब 5 में क्या आ गया, C D E F G C, उसके बाद G आएगा दोस्तों, यहाँ पर नीचे G है, G उसके बाद 6 A उसके बाद 4 क्या आएगा दोस्तों, 1 2 3 4, मतलब F। ये एक पॉपुलर कॉर्ड प्रोग्रेशन है दोस्तों। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कॉर्ड को अप्लाई करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने नोट्स को ड्रॉ किया हूँ, अभी तक कॉर्ड को ड्रॉ नहीं किया हूँ। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को आप सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से सिर्फ 3 को प्रेस करेंगे, जहाँ पर हैशटैग है आप देखिए 1 2 3, 2 में अल्फा @ है और 3 में हैशटैग है। किसी भी नोट को सिलेक्ट करके जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे 3 को, यहाँ पर देखिए मैंने 3 की प्रेस किया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं,
तो उसका कॉर्ड बन जाता है दोस्तों। ये आप एक एक नोट पकड़ के भी कर सकते हैं तो कॉर्ड प्रोग्रेशन बन जाता है दोस्तों। एक चीज़ आप मैं आप कंट्रोल जेड करके आपको ये डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आप एक साथ भी कर सकते हैं, मतलब एक एक करके करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबको सिलेक्ट करेंगे, माउस को लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिर्फ थ्री की दबाएंगे तो देखिए सब में एक साथ क्लियर हो गया। अब मैं W दबा के इसको पहले आ जाऊंगा। अब मैं इसको सुनूंगा, हो गया दोस्तों। अब इसका इन्वर्सन भी आपको दिखा देता हूं। चलिए इसको मैं अभी काट देता हूं और सेटिंग्स में फिर से आ जाऊंगा दोस्तों। यहां पर कीबोर्ड शॉर्टकट में इसको मैं क्लियर कर दूंगा, कॉर्ड वाला जो था। अब मैं यहां पर इन्वर्स INV, ये देखिए इन्वर्ट कॉर्ड अप, शिफ्ट टी दबाने से की अप में मतलब ऊपर की तरफ की चला जाएगा और इन्वर्स हो जाएगा। और इन्वर्ट कॉर्ड डाउन मतलब ऊपर का कॉर्ड को अगर नीचे लाना चाहते हैं दोस्तों तो कंट्रोल शिफ्ट टी दबाना होगा। तो चलिए ये शॉर्टकट है दोस्तों, अब मैं इसको डबल क्लिक करके खोल लूँगा। अब मान लीजिए मुझे ये वाला जो कॉर्ड का मुझे ऊपर की तरफ इन्वर्सन चाहिए, तो शिफ्ट दबा के जैसे टी प्रेस करूँगा तो ये देखिए चला गया। अब इस कॉर्ड का दोस्तों मुझे कंट्रोल शिफ्ट टी दबाना होगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब कॉर्ड का इन्वर्सन बन गया है दोस्तों। अब W दबा के हम पहले आ जाएंगे और सुनेंगे। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड को ले लेता हूँ। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, थ्री दबाया, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया, इसका एक कॉर्ड बन गया है दोस्तों, मेजर कॉर्ड बन गया है। अब मैं इस सब नोट को सिलेक्ट करूँगा दोस्तों। सिलेक्ट करके जैसे ही मैं शिफ्ट की दबाऊँगा, देखिए यहाँ पर कौन सा जगह पर है, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 3 + 4 में ये डिवाइडेड है। जैसे मैं पहले से आपको कॉर्ड को बनाना, कॉर्ड को कैसे बनाते हैं वो सिखाते आ रहा हूँ, उसी फॉर्मेशन में ये है। अब मैं जैसे ही शिफ्ट दबा के टी प्रेस करूँगा दोस्तों तो देखिए नीचे का वाला जो नोट है वो ऊपर चला गया है दोस्तों। अब फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे टी प्रेस करूँगा तो देखिए ये नीचे की तरफ आ गया है दोस्तों। इसको मैं फिर से नीचे की तरफ लाना चाहता हूँ, इन्वर्ट करना चाहता हूँ इस कॉर्ड को, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो देखिए ऊपर वाला जो नोट है वो नीचे आ जाता है दोस्तों। तो ऐसे करके आप कॉर्ड का इन्वर्स कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर मुझे सी के साथ क्या क्या गया, सी के साथ सी जी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मुझे सी कॉर्ड चाहिए, यहाँ पर मुझे एफ कॉर्ड चाहिए, एफ, यहाँ पर मुझे ए माइनर कॉर्ड चाहिए, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे फिर से सी कॉर्ड चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सी के साथ सी मेजर आएगा, मान लीजिए ये सी मेजर स्केल में है तो सी मेजर स्केल में कौन सा मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड आता है दोस्तों, सी में सी मेजर जाएगा, एफ मेजर जाएगा, लेकिन ए जो कॉर्ड है ए माइनर कॉर्ड जाएगा क्योंकि सी का रिलेटिव माइनर है ए। अब सी फिर से मेजर जाएगा, अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक ई कॉर्ड चाहिए, ई दोस्तों सी मेजर स्केल में ई माइनर में आता है, मतलब ई को मेजर नहीं कर सकते आप लोग, इसको ई माइनर ही करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसको हम जब भी थ्री दबाएंगे दोस्तों, मतलब इसको जो ऑटोमेटिकली कॉर्ड जो आप इसके इस पे अप्लाई करेंगे तो देखिए ये मेजर कॉर्ड बनेगा। जैसे मैं थ्री दबाया, देखिए 4 + 3 1 2 3 4 1 2 3 4 + 3 मतलब ये मेजर कॉर्ड बन गया। अब इसको सिलेक्ट किया, फिर से मैं थ्री दबाया, देखिए ये यहाँ पर भी मेजर कॉर्ड बन गया है, 1 2 3 4 1 2 3 4 + 3 मतलब मेजर कॉर्ड। अब मैं ए में क्लिक किया, इसको ए नोट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं थ्री दबाऊंगा तो इसका भी मेजर कॉर्ड बनना चाहिए, लेकिन मैजिक है दोस्तों यहाँ पर माइनर कॉर्ड ही वो लेगा। कैसे लेगा, जैसे मैं थ्री दबाया ये देखिए ये माइनर कॉर्ड ले लिया, मतलब 3 + 4 फॉर्मेशन में ही है ये जीरो, इसको जीरो पकड़ेंगे 1 2 3 मतलब ये हो गया 3, 1 2 3 4 मतलब 3 + 4 मतलब ये माइनर में है। जैसे मैं सी को पकड़ूंगा, थ्री प्रेस करूंगा तो ये देखिए 4 + 3 मतलब मेजर कॉर्ड में आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 + 3
ई को सिलेक्ट करके जब भी मैं 3 प्रेस करूंगा दोस्तों शॉर्टकट की, इसका जो कॉर्ड बनेगा दोस्तों मैजिक के साथ आप नोटिस कीजिए ये माइनर में ये फॉर्म कर जाएगा। तो चलिए ये देखिए 3+4 हो गया 1 2 3 1 2 3 4, मतलब ये मेजर माइनर ऑटोमेटिकली लेता है दोस्तों, आपका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस जहाँ पर स्केल के हिसाब से, मेजर स्केल के हिसाब से जिस जिस नोट पे मेजर कॉर्ड बजेगा उस नोट पे मेजर कॉर्ड फॉर्म कर जाएगा, और जहाँ पर माइनर कॉर्ड बजेगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली माइनर कॉर्ड फॉर्म कर जाएगा दोस्तों। इसका इन्वर्शन भी मैंने आपको सिखा दिया हूँ, तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको। अब फिर से मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन करूँगा सी जी ए और एफ एफ। अब क्या करूँगा इसको दोस्तों, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और डी प्रेस करूँगा तो देखिए ये डबल हो जाएगा, मतलब ये 9 बार तक आ गया है दोस्तों। अब सबको एक साथ सिलेक्ट करूँगा और 3 प्रेस करूँगा तो सब में कॉर्ड फॉर्मेशन हो गया है दोस्तों। अब इन्वर्स करने का बारी है, इसको 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 और इसको मैं इन्वर्ट करना चाहूँगा ऊपर की तरफ। पहले क्या इन्वर्ट करते हैं, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, ये ऊपर की तरफ इन्वर्ट होगा, मतलब शिफ्ट दबा के जैसे मैं टी प्रेस करूँगा ऊपर की तरफ इन्वर्ट हो गया है दोस्तों। अब नीचे की तरफ चाहिए, शायद नहीं चाहिए, तो चलिए चलिए इस दोनों को भी एक बार ऊपर की तरफ कर देते हैं, इस दोनों को भी ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, W दबा के पहले जाएंगे और सुनेंगे इसका साउंड को। देख लिया दोस्तों कितना अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया है दोस्तों। अब चलिए इसको हम यहाँ से काट देते हैं, तो बहुत ही अच्छा। अब क्या करेंगे, एक दूसरा हम न्यूमा ले लेंगे, दूसरा VST को कॉल करते हैं NEU, न्यूमा आ गया है, न्यूमा को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे दूसरे वाले चैनल में, न्यूमा आ गया और यहाँ पर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, पैड में जाएंगे, कुछ पैड ले लेते हैं, पैड कैप्स लॉक ऑन करेंगे। चलिए इसी पैड का साउंड को हम देते हैं, इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करेंगे दोस्तों। शिफ्ट दबा के जैसे ही हम इसको, सॉरी दोस्तों शिफ्ट दबा कर नहीं, कंट्रोल दबा के जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लेफ्ट क्लिक करके, तो देखिए यहाँ पर भी एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया है सेम। अब मैं इसको कर देता हूँ, अब इसको W दबा के, चलिए इसका जो क्लिक का साउंड है, क्लिक का साउंड को मैं बंद कर देता हूँ, इस क्लिक का साउंड को बंद कर दिया। अब इसको पहले से सुनते हैं, इसको सोलो करते हैं दोस्तों, इसको पेन रोल में जाते हैं डबल क्लिक करके, W कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे और W दबाएंगे, मतलब ये बहुत ही ऊपर है दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, मतलब ऑक्टेव डाउन करेंगे। ऑक्टेव डाउन करने के लिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट दबा के जैसे ही ओ प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब सुनेंगे, चलिए सबको इन्वर्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ सबको, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे दोस्तों तो ये नीचे की तरफ इन्वर्ट हो गया है। अब मैं W दबा के सुनूंगा इसको, इसमें एक एक सस्टेन बहुत है दोस्तों, तो इसमें एक एक क्या करेंगे, हम नोट्स को लगाते जाएंगे, सी उसके बाद जी उसके बाद एफ, यहाँ पर ए होगा दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे एफ को लगाएंगे, एफ ए सी, हाँ एफ को लगाएंगे, एफ हो गया। अब
इसको सिलेक्ट करेंगे और डी की प्रेस करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। अब सुनते हैं डब्लू दबा के पहले से। शिफ्ट टी करेंगे, शिफ्ट टी करेंगे, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर सी का एक नोट को हम डाल देंगे यहाँ पर। चलिए डब्लू अब सुनते हैं पहले से। चलिए इसमें एक मैं एक साइड चैनल लगा देता हूँ, एस आई साइड चैनल 2। इसमें एक वी एस टी इफेक्ट्स को मैं ऐड कर देता हूँ तो उसका साउंड और निखर का आएगा। दोस्तों सुनते हैं पहले से। डब्लू डी दबाया, थोड़ा सा नीचे कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अभी इसको काट दिया। अब पहले से इसको सोलो को ऑफ करेंगे और डब्लू के दबा के पहले से सुनेंगे। इसका वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। चलिए इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट में हम क्या करेंगे, इफेक्ट नहीं एनवलप, एडिट पैड्स, पैड्स में जाके इसका पैड्स का जो साउंड है, पैड्स का साउंड को थोड़ा सा कम करेंगे दोस्तों। वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देते ताकि जो पैड्स का साउंड है कम कर। चलिए ठीक है, अब पियानो का साउंड और पैड्स का साउंड आपको एक बैलेंस सुनाई देगा। डब्लू फिर से प्ले करते हैं। अब दोस्तों इसके साथ आप कुछ मेलोडी भी तैयार कर सकते हैं। मेलोडी तैयार करने के लिए मैं चाहता हूं जो पियानो फ्री पियानो 3 है इसी के ऊपर मैं मेलोडी को तैयार करूं, तो उसके लिए दोस्तों फिर से मुझे वीएसटी को कॉल करना नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, ट्रैक 3 में एक मिडी क्लिप लूंगा और इसको मैं बढ़ा दूंगा 4 बार तक, और इसका जो आउटपुट है दोस्तों इस आउटपुट को मैं दे दूंगा ट्रैक 1 पे। ये ट्रैक 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रैक 1 में दे दिया, मतलब इसका जो साउंड आउटपुट होगा वो ट्रैक 1 में आएगा। और 1 से कैसे कहाँ पर आउटपुट होगा दोस्तों, ये फ्री पियानो 3 का साउंड ही ये प्ले करेगा। तो चलिए मैं इसको कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ। अब इसको प्ले करते हैं पहले से। डब्ल्यू देख ले दोस्तों, बहुत अच्छा मेलोडी बन गया। इसको अगर आप इसको ऑफ करके इसको म्यूट कर देते हैं और इसको सुनते हैं एक बार, तो मेलोडी का साउंड भी आपको सुनाई देगा। चलिए तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कैसे बहुत इजी तरीके से, बहुत फास्ट आप कैसे कॉर्ड को तैयार कर सकते हैं, कॉर्ड को प्रोग्रेस कर सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं सिर्फ शॉर्टकट की मदद लेके। आज कीबोर्ड की शॉर्टकट की मदद लेके मैंने आपको दिखाया, दूसरे दिन दिखाएंगे कैसे आप माउस क्लिक की मदद लेके, बहुत ही एक शॉर्टकट तरीका है, उस शॉर्टकट तरीके से कैसे कॉर्ड को आप इजीली 7th कॉर्ड
ट्रायड कॉर्ड, मेजर ट्रायड, माइनर ट्रायड, सिक्स्थ कॉर्ड, नाइन्थ कॉर्ड, सस्पेंडेड कॉर्ड, ये सब क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में दोस्तों। तो जुड़ रही है मेरे इस चैनल से। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे जल्द पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, दूसरे ट्यूटोरियल में, तब तक रहिए, गुड बाय एंड थैंक यू।